कब अपलोड किया नेट पे है? 2 दिन हुए हैं, 22 लाख लोगों ने अभी तक इसे देखा है। डुप्लीकेट आईडी देकर ही कातिल ने इसे ब्राउजर पे अपलोड किया है। ये खून के बारे में कुछ और डिटेल्स? जरूर, सेक्स संबंध में ही एक वारदात हुई। कैसे है? इतना कंफर्म बोल रहे हैं आप? किस लिए खून होता है? पैसे के लिए, पदवी के लिए और बदला लेने की भावना के लिए। करेक्ट, पैसे के लिए और औहदे के लिए कत्ल करने वाला बचने की कोशिश करता है। बदला लेने वाला ही सिर्फ कत्ल का इकरार करता है और कहता है सब कुछ। मगर इन तीनों वजहों में कत्ल इतनी क्रूरता से नहीं किया जाता है। उसके साथी ने यह किया होगा जरूर, वो भी गैर कानूनी होने की वजह से इतनी क्रूरता से कत्ल किया होना चाहिए। हत्यारा साइको भी तो हो सकता है। अगर वो साइको रहा तो किस लिए इंटरनेट पे अपलोड करता है वो? कातिल की इन्वेस्टिगेशन करने से बेहतर होगा कि हम कत्ल किसका हुआ और क्या करता था इसके बारे में जानकारी लेंगे, तो कातिल आसानी से पकड़ा जाएगा। ठीक है मिस्टर शनमुगा पांडियन, जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है। थैंक यू सर। इसकी गांठ खोलो। ओके सर। गोपी, एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। सर, वो मेरी लड़की है सर। उसका नाम क्या था? रंजनी। क्या पढ़ रही थी? 10th पढ़ रही है सर। किसी से प्यार करती थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी तरह पढ़ती है, कंप्यूटर के सामने ही बैठती है, और कुछ गलत फ्रेंडशिप नहीं है सर। यहाँ क्यों आई थी? फ्रेंड्स के साथ टूर गई है, 3 दिन तक लापता था, इसीलिए कंप्लेंट किया है। बदतमीज लोगों ने मेरे लड़की को ऐसे किया। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं देखूं। उन लोगों को कठिन शिक्षा देना है सर। जरूर, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। गोपी सर, फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट करके डेड बॉडी उन्हें सौंप दो। ओके सर। बड़ा मजा आ रहा है। पकड़ो।
नर्स, टेक केयर। ठीक है डॉक्टर। सर, ऑपरेशन कामयाब रहा। अब आपकी बेटी बहुत सुखी रहेगी। थैंक्स डॉक्टर, हम आपको नहीं भूलेंगे। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ जिंदाबाद। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ जिंदाबाद। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ जिंदाबाद। ए जरा पकड़। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ जिंदाबाद। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ। डॉक्टर ऊपर लोकनाथ। तापे, मेरा नाम ऊपर लोकनाथ नहीं है, मैं लोकनाथन। मैं तो यमराज नहीं हूँ, मेरा नाम है लोकनाथन। मुझे लोकनाथन पुकारो। हाँ, इतनी वजन है ये, जरा बोलना था। कौन है ये लोग, क्यों इतनी वेलकम? जो भी करूं सब कुछ बुरी नजर से ही देखते हैं मुझे मेरे पति, इसलिए आत्महत्या करने वाली थी। उस वक्त मुंह पे एक छोटा सा पिंपल आने से मेरे पति को ऑपरेशन करके उसको क्लोज कर दिया। अब बुरी नजर से देखने वाला कोई नहीं है डॉक्टर, अब मेरे लिए मेरे भगवान है। तो फिर ये कौन है? ये मेरा पहला प्यार है डॉक्टर, मगर अब यही वो मेरा पति है। इसको कुछ हुआ तो लेके आओ ना डॉक्टर। नहीं नहीं, आपको कुछ और को जरूरत पड़ा तो। डॉक्टर, पुराना समझो, इतना ही है मेरे पास, ले लो भाई। अरे 50 रुपए ही मांग रहा हो ना, दे दो भाई, इतना ही है, ले लो ना। इसीलिए मैं 20 किलोमीटर चला के आया। माफ कीजिए, ले लो भाई। नहीं नहीं, तुम पकड़ो, पकड़ो इसे, रख लो, तुम ही रख लो इसे। इतना ही है भाई, 200 रुपए है तो दो, नहीं तो रहने दो। अरे फिर बस में आ जाओ ना तुम। क्या प्रॉब्लम है सर? 20 किलोमीटर आया हूँ, 50 रुपए डाल के देने के लिए बोलो तो नहीं दे रहा। औरत को ही लेके आया ना, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? वो सब एडजस्ट नहीं हो सकता, मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है। अरे क्या ये सब, ऑटो में इन सब के लिए फ्री तो लिखा है। मैं ऑटो का ओनर नहीं हूँ, मैं तो भाड़े पे चलाता हूँ। क्या है, पैसे ही चाहिए ना तुमको, मैं देता हूँ। हाँ दीजिए, दो दो। आप क्यों इस तरह के ऑटो में चढ़ रहे हैं? कितने मासूम हो सर आप। हेलो, पहले ऑटो में जो लिखा है ना उसे मिटा दो। ठीक है सर। चलो जा। आओ अनुषा, बैठो। सर आप डॉक्टर हो? मेरे को भी वही शक था, आप कभी आ गया क्या? सूर्या, मीट मिस अनुषा, आज ही फिजियोथेरेपिस्ट की हैसियत से ज्वाइन किया हॉस्पिटल में। हेलो। हेलो, आपका घर कहाँ है? वेलायदम कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट। मैं भी वही रहती हूँ, डोर नंबर 6। मैं साथ में हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने बस ये कहा कि मेरा डोर नंबर 7 है। वही माँ, पहली मुलाकात में ये हुआ ना, बराबर ही हुआ, हीरो है ना वो। अरे इट्स ओके, लीव इट लीव इट, छोड़ दीजिए ना। अरे इसे छोड़ दीजिए ना, मत खाइए, इसे लीजिए। हाँ, अरे खाइए ना, परवाह नहीं, खाइए प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। अरे खाइए ना प्लीज, बहन ले लो ना, खाओ ना। एक लड़की साथ रहा तो खुश होना, बिना पूछ के मदद करना मर्दों का आदत है ना। क्यों बकबक कर रहे हो? पेट जल रहा है। बहुत मिर्च है क्या? हाँ हाँ, दही चावल में कहाँ मिर्च होती है? पतियों को बेकार समझना, हर एक पत्नी जो कुछ कर रही ना वो ऐसा ही होगा, मीठा भी खार ही लगेगा। हाँ हाँ, एक बार, दो बार, तीसरी बार, इस तरह जैसे पॉकेट में पेन रखते हो ना, उसी तरह पत्नी को घर पे ही रखोगे ना तो सब कुछ ऐसा ही लगेगा। हाँ क्यों साहब, मैं नहीं बढ़ा, मेरा फैमिली तो बढ़ना ना, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रिया देखो जरा कौन है। ठीक है डैडी। आप कौन हो? सूर्या सर है क्या?
हाँ है, आइए ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आइए बैठिए। अनुषा क्या खाइएगा? कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। ये मेरी बेटी प्रिया। हाय, नमस्ते। और प्रिया, इनका नाम अनुषा है, हमारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट है, अभी अभी ज्वाइन की है। अनुषा, जब भी आप फ्री होते हैं हमारे घर आ जाइएगा, अकेले रहने में इसे बोर लगता है, ये हमेशा कहती रहती है। कोडेकनल आए हुए कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। ओ, आपने सारी जगह देख लिया? अभी नहीं, पहले इस घर को देखेंगे उसके बाद शहर घूमेंगे। ओके आइए। ओके। नमस्ते भैया। क्या प्रॉब्लम है सर? ये जो घुटना है ना, चलते टाइम गड़गड़ आवाज करता है। और ये जो कमर है ना, बिना चले ही गड़गड़ आवाज करती है। हेलो, मुझे मालूम है कमर कहाँ होता है। अच्छा, कल आपकी घरवाली घर में थी ना? घरवाली मायके गई है, साली के साथ रह रहा हूँ, तुझे से क्या। अरे अच्छा अच्छा, आपका वेट क्या है? ये तो साली से पूछना पड़ेगा। जाके अपना वजन देखो। क्या तराशा हुआ बदन है, 16 साल की तो होगी। नर्स जरा पैर उठाना। ए क्या बोल रहे हो तू? बस वेट देखने के लिए। हाँ ठीक है, डर गई मैं। ऐसे नहीं डरना चाहिए, इससे पहले जो नर्स थी वो नहीं डरती थी, उसकी माँ भी नहीं डरती थी, तुम क्यों डरती हो? ये बच्चा कौन है, स्कूल नहीं गया? हेलो, वही है डॉक्टर। ये डॉक्टर है? घुटने तक भी नहीं है ये तो, ये घुटने का क्या इलाज करेगा? तुम आओ, मेरे कमर दर्द की तुम ही दवा हो। एक मिनट का है, क्या इलाज करेगा? सत्यानाश हो। क्या हुआ डॉक्टर, मौन व्रत टूट गया क्या? हेलो सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बहुत फीवर हो गया है। ठीक है, आप घर पे रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। नर्स, ड्रिप्स हो जाने के बाद बॉटल चेंज कर दीजिएगा। जरा ख्याल रखिएगा, मैं राउंड शो कराता हूँ। ठीक है। अरे बाप रे बाप, बाप बाप, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे बाप रे बाप। क्या हो गया आपको, ऐसे चिल्ला रहे हैं? अरे तुम्हारा डॉक्टर कहाँ पर है बताओ। लेफ्ट पर जाइए। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। अरे बाप रे, ए माँ। डॉक्टर मुर्गी सिंह, वो वेटिंग में है। डॉक्टर आपका क्या हुआ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर पे तो बाल है ना। वो वाली बर्दाश्त की नहीं बात कर रहा हूँ। बेड में बैठ जाओ। बेड पे डालने के लिए मैं क्या बच्चा हूँ, बेड बर्बाद हो जाएगा। बाथरूम कहाँ पर है? कौन है ये? पता नहीं डॉक्टर। अरे ये क्या शोर? नॉर्मल डिलीवरी हो गई। आप कौन है? सीधा अंदर आया, अंदर गया, बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर एक शादी पे गया था, मटन बिरयानी थी, 3 बार बैठ कर पूरी तरह से खा लिया, फुल टाइट हो गया। मटन बिरयानी के मसाले में मिक्सिंग ठीक नहीं थी, पेट में गड़बड़ होने लगी। 3 घंटे से मैं भी बाथरूम ही ढूंढ रहा था, तभी तुम्हारे बोर्ड पर नजर पड़ी कि 24 घंटे बस सीधा अंदर आ गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे ये क्या म्युनिसिपैलिटी का शौचालय है, अस्पताल है ये, लो पकड़ो इसे। ओ मुफ्त का शौचालय है क्या, थैंक यू डॉक्टर। ये रात के लिए पार्सल लेकर आया हो। अरे संभल के, ज्यादा स्ट्रेन मत कीजिएगा, लेट जाइए। अब कैसी तबीयत है? काफी बेटर हूँ। कुछ खाया आपने?
नहीं, कम से कम दूध तो पी लेती। आहिस्ता संभल के। बस इतना? हाँ बस। ओके, नो प्रॉब्लम, मोस्टली कल ही डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? मैं राउंड जाकर आता हूँ, ठीक है? संभल के। एक मिनट। हाँ। क्या है? एक्चुअली थैंक्स। It's all right. चलें? चलते हैं। ठीक है, रास्ते में मेडिसिन ले लेंगे। चलिए। एक मिनट, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या है? जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। तो क्या हुआ? नहीं, वो मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं आपके पड़ोस में हूँ, फिर भी आपने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। अगर मैंने आपसे शादी की तो आप मेरा बहुत ख्याल रखेंगे ना? मेरे लिए तुम सिर्फ एक पेशेंट हो, बस इतना ही कि दूसरे पेशेंट का ख्याल रखने के लिए उनके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा केयर ले लिया। ख्याल रखने का मतलब प्यार नहीं होता। आपका ख्याल रखना ही मुझे बहुत पसंद आया, मुझे आपसे प्यार हो गया। तुम पढ़े लिखे हो, बिना समझे बात मत करो। आपको समझने के बाद ही ऐसी बात कर रही हूं। तुम्हारा उम्र ऐसा है, भला बुरा कुछ नहीं समझते हो। एक आदमी अगर प्यार से पेश आए तो लड़कियां उसे पापा या भैया की तरह नहीं समझते, आशिक के रूप में ही देखते हैं। हर आदमी जो प्यार से बात करता है आशिक नहीं होता है। और 5 साल के बाद अपनी बेटी के लिए मैं दामाद ढूंढूंगा, लेकिन तुम मुझे ही दुल्हा की तरह देख रही हो, वो गलत है। दुनिया में क्या ऐसी शादियां नहीं होती है? फाइनली आपका क्या कहना है? दुनिया में जो उदाहरण है उसके लिए मैं नहीं जीता, इस दुनिया के लिए मैं एक उदाहरण बन के जीना चाहता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सिस्टर, मंदिर गया था, लीजिए प्रसाद खाइए। लीजिए डॉक्टर साहब, आप भी लीजिए। डॉक्टर, मुझसे जब भी कोई सवाल पूछता है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब क्यों, क्या हुआ है? क्या क्यों, यही तो बताने के लिए आया हूँ मैं यहाँ, इसी का तो इलाज करना है, इसी का तो इलाज करना है, मुझसे सवाल क्यों किया? देखो डॉक्टर, मेरे माँ बाप ने मुझसे सवाल किया था, एक पत्थर उठा के सर पे दे मारा। और ये पुजारी भी, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, उसको भी साले को मार के आ गया। भागता आ रहा था ना, पुलिस वाले ने देख लिया, वो भी दौड़ता आ रहा था, मुझसे पूछा क्यों दौड़ रहा है, मुझसे पूछता है क्यों दौड़ रहा है, एक पत्थर से उसको भी मारा और उसको भी खत्म कर दिया। अरे उसको ही नहीं छोड़ा मैंने, तो तू कौन होता है पूछने वाला, कौन होता है बता? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं, साइलेंस प्लीज। अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? अब औरतें भी मुझसे सवाल जवाब करेंगी क्या? तुझे भी खत्म कर दूंगा मैं, तुझे भी मार दूंगा, पत्थर से मार दूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या प्रॉब्लम है? तू कौन है, तू कौन है बे, कौन है तू? अरे रुको 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 रुको, डॉक्टर आपने क्या कहा, इसे ऐसे चिल्ला रहा है? पूछा क्या? मुझसे सवाल कर सकते हो क्या, इससे पूछो तू कौन है बे, तू कौन है? सर मैं कंपाउंडर हूँ। कंपाउंडर है? तेरी भी सफेद शर्ट, मेरी भी सफेद शर्ट, सफेद शर्ट पहनने से क्या कंपाउंडर याद है? काम चोर कहीं का। फोन करता हूँ, देख पुलिस को फोन करता हूँ, देख अभी। हाँ हाँ, जा रही है, जा रही है। हाँ साहब, पुलिस स्टेशन है क्या? आप कौन है? यहाँ 3 खून होने वाले हैं साहब। क्यों 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 पूछता है तू, कौन होता तू पूछने वाला? तेरा भी खून कर दूंगा देख। हे चौथा खून करके आता हूँ अभी, अभी ठहर, चौथा खून करके आता हूँ मैं। मंदिर में जाते हैं तो गुस्सा आता है, कौन से मंदिर में जाऊँ कि गुस्सा ना आए? हे भगवान, ये क्या? हे भगवान, इसके इतना गुस्सा आता है? हे मुझे गुस्से वाला कहता है क्या? मुझे गुस्सा आता है? सर गलती से बोल रहे हैं, चलो चलो आप चलिए, आप चलिए, मुझे गुस्से वाला कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए चलिए आप चलिए। हां हां, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, आप जाइए, आप जाइए, जाइए, आप गुस्सा मत दीजिए, जाइए। क्या
क्या पापा, आपने मुझे डरा दिया। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड गुड। पापा प्रिया प्लीज। आज भी लेट उठे क्या? नहीं चुप रहो ना प्रिया प्लीज। क्या हुआ जरा हटिए, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ साहब, बेहोशी की हालत में पड़ा है। हट जाइए, हवा आने दीजिए, जरा हट जाइए। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए। पानी पानी पिलाइए। सर आपने इस लड़की को देखा है? नहीं पहले देखा नहीं। प्रिया पापा कहाँ है? वहाँ। घर में गैस खत्म हो गया, आज के दिन यहाँ खाना बना लूँ क्या? सच्ची में खत्म हो गया? हाँ हाँ मालूम है, हमेशा दाल चीनी खत्म हो गया कह के आती रहती हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए भी खाना बना के रखा है, जाओ जाके खाओ। क्या हुआ? आप भी आइए, साथ में खाएंगे। तुम्हें ना? ठीक है ठीक है। खाइए ना, मुझसे बात मत करो। क्या हुआ? तुमने कहा कि तुम्हारे पापा से मेरे बारे में बात करके मेरी मदद करोगी, जो रोता है उसी को दूध मिलती है ना? क्या तुम डबल मीनिंग में बात कर रही हो? अरे यार तुम्हारे प्यार के बारे में तुम्हें ही बताना चाहिए। कितनी बार कहूँ तुमसे, खाना खाते वक्त बात मत करो, लो पानी पियो। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, अकल नहीं है क्या? सामने पानी है ना, खुद उठा के पी सकती हो ना, पियो। अनिशा मैडम कब आएगी? अरे कितने बार पूछेगी तुम, मैंने कहा ना डॉक्टर आएंगे तो देख लेना, समझ में नहीं आता तुम्हें? सारी भाई मैं कमिंग सर। आइए सूर्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। हेलो सर। ये साहब हम सबको पार्टी देना चाहते हैं, हमें बताने की जगह अगर आपको बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों सर फिजूल खर्चा कर रहे हैं? मेरे बेटे की जिंदगी तक नहीं, मेरा जिंदगी भी वापस दिया है आपने, प्लीज माना ना करना। कोई बात नहीं सूर्या, इनको अपने दिल की कर लेने दो, ये पार्टी देना चाहते हैं तो देने दो, तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को एक दिन का एंजॉयमेंट मिल जाएगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। यहाँ पेन हो रही है? नहीं डॉक्टर। यहाँ? हाँ डॉक्टर, यही थोड़ा दर्द होता है डॉक्टर, नीचे भी दर्द हो रहा है। पैर में क्या? हाँ डॉक्टर,
यहाँ क्या? थोड़ा ऊपर डॉक्टर। यहाँ? अरे बदमाश, डेढ़ साल से यही आ रहा है तू? तेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ क्या? मैं क्या करूँ डॉक्टर, मैडम की हाथ लगा तो दर्द नहीं होता है, नहीं तो होता अभी है। तेरा हाथ को काटता हूँ। डॉक्टर अभी भाग जाता हूँ। चुप रह जा तू। क्या कर रही हो तू है? इसको तो दर्द पैर में नहीं है। पहले आप जिप डालिए सर। सॉरी, कहो ना। मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। बोलो क्या चाहिए? हॉस्पिटल आने वाले सभी पेशेंट्स को हमेशा ऊपर भेजने वाले आपसे जिंदगी के लिए बात करूंगी, लेकिन आप बुरा मत मानना। आप दिखने में छोटे हो लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, ये तो सब जानता है। बता तेरे को क्या होना। मैं ऑलरेडी सूर्या से अपना लव प्रपोज कर चुकी हूँ, उनको प्यार कराने के लिए कोई आइडिया दीजिए ना। कल हमको तो पार्टी है, उधर पीने के लिए एक ड्रिंक देता हूँ, वो पी लो, उसके बाद डॉक्टर सूर्या खुद जान लेगा जो तेरी दिल में है। सच में सर? नर्स सुजी की कसम से। सबको स्वागत है। मुझे शादी होके 10 साल के बाद ही एक बेटी पैदा हुई। जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, जब उसकी शक्ल बिगड़ गई था, मैं बहुत सारा हॉस्पिटल ट्राई किया मगर रिजल्ट जीरो था। आखिर में मैं ग्रीन हॉस्पिटल आया। मैं सपने में भी नहीं सोचा मेरी बेटी एक परी जैसी होगी। इसी के कारण मैं इस हॉस्पिटल को कुछ करना चाहता था मगर डीन ने मना कर दिया। फिर भी मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए यह पार्टी मैंने अरेंज किया। मेरी बच्ची को देवता बना दिया डॉक्टर सूर्या। मैंने जिंदगी भर ये बात भूल नहीं सकता, हम सब का भगवान एक ही है। मगर मेरे ख्यालों में दो भगवान हैं, एक जो हम सबको पैदा किया ना वो, दूसरा सूर्य जैसा डॉक्टर्स है। मेरा इन्विटेशन स्वीकार करके जो लोग आया ना इधर, उन सबको मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके सर, सब भगवान की मर्जी है। आपका शुक्रिया सर। कोप खत्म हो गया अनु, मुझे कोप चाहिए, लेके आती हूँ। अनुषा वो ड्रिंक दे दूँ मैं? ठीक है। अच्छा वो लेके आओ। ये ले लो, पी लो। मुझे और एक ग्लास चाहिए। क्या काम शुरू हो गया? हेलो सर, हैव अ ड्रिंक। ये लीजिए। माँ जी, आपने इस लड़की को देखा है क्या? नहीं, देखा नहीं। क्या हुआ सर? गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। आप अंदर बैठ के स्टार्ट करिए, मैं मदद करता हूँ।
गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं धक्का देता हूँ। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये इसे रख लो। नहीं सर। अरे रख लो ना। नहीं रहने दीजिए। अरे क्या यार तुम भी। सर इस फोटो में जो है उस लड़की को देखा है आपने? ए भाई तुम्हारा फोन नंबर देना। मेरे पापा। बोलो बैठो, पहले बैठ जाओ। नहीं। अरे बैठ जाओ ना पहले। ये लो घबराओ मत, पहले पानी पियो। नहीं नहीं सर। पी लो बेटा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मेरे पापा, मेरे पापा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मेरे पापा को कुछ नहीं सर, मेरे पापा ने एक आदमी को चिल्लाया। कैसे? पापा के चिल्लाने से उस आदमी ने अपने हाथ को खुद काट लिया। प्लीज सर आप आइए ना, मेरे पापा, मेरे पापा उस आदमी को मार डालेंगे। ठीक है चलो। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? सर ये आपकी बेटी है? हाँ सर। तुमने किसी को धमका कर उसका हाथ काटा था? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, उन्होंने ऐसे ही कहकर मुझे बुला के लाई है। सर मैं कह रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा तो कुछ और कह रहे हैं। सर सर
मैं दिखाती हूँ, आप मेरे साथ आइए 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 सर, सर यहीं पे सर, यहीं वो आदमी था, यहाँ इसी जगह पे उसके उसके हाथ को उसने काट लिया, यहीं पे था सर, मैंने यहीं देखा, लेकिन पता नहीं अभी यहाँ कुछ भी नहीं है सर, मैंने देखा सर, मुझ पे भरोसा कीजिए सर। ठीक है, घबराओ मत, मैं सब देख लेता हूँ, नीचे चलो। सर, सर मुझ पे भरोसा कीजिए सर। हमें भरोसा है, नीचे चलिए। शक होने लायक, आपने ऐसा कुछ देखा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बेटी का ख्याल रखो। सर 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 नहीं सर, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाइए सर, मैंने जो कहा वो सच है सर, सर ये मेरे पापा नहीं है सर। क्या कह रही हो, स्टेशन पे तूने पापा कहा था, अभी भी ऊपर तेरा पापा ही बोला? सर वो मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी, वो पागल है सर। सर नहीं सर, मैं पागल नहीं हूँ। सर आप एक डॉक्टर हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी का ख्याल रखना। चलो सर, सर मुझे छोड़ के मत जाइए सर, ये मुझे मार डालेंगे सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया अब तुम कैसी हो? मैं अभी ठीक हूँ। मुझे तुम पे इत्मीनान है, लेकिन क्या हुआ मुझे सच सच बताना। अभी मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा तो क्या उसे पहचान लोगी? जरूर। हेलो गोपी, वो लैपटॉप लेकर आना। सर मुझे देखना है। उन्हें नहीं, सिर्फ कार्तिक को अंदर भेजिए। तुम अंदर जाओ। सर मैं उसका पापा हूँ। हाँ हाँ थोड़ा वेट कीजिए। तुमने जिसे देखा वो ये है क्या? नहीं। ये है? नहीं। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। वो कातिल ने तीसरा खून भी किया और अपलोड किया भी। तुम उस तरफ जाओ गोपी, तुम उस तरफ जाओ। Thank you.
सर वो छोकरी ने बोली ना वो तो यही है सर, वो छोकरी को बुला के दरियाफ्त करना है सर। सुनो वो लड़की इसे देखेगी तो भी कहेगी नहीं पहचानती हूँ। आप जो लैपटॉप में दिखाए ना उससे तो वो छोकरी देखी नहीं, तो हम क्यों डिजर्ट करना वो छोकरी झूठ बोल रही है, उसके तो सीधा यहाँ बुलाकर पूछा तो मालूम हो जाएगा। ठीक है बुला के लाओ। ओके सर। कंप्रिया देख के बोलो वो आदमी तो है ना। अच्छी तरह देखो और बोलो। मुझे पता नहीं सर। क्या सर ये ऐसी बोल रही है, सच तो बताओ। सच्ची में मुझे नहीं पता सर। तुम लोगों के पास फंस कर सच्चा ही मर जाता है सर। अब हम क्या करें? घर में मुझे अकेले मत छोड़ के जाना, मेरा बाप मेरा कत्ल कर देगा करके रोई थी ना ये। हॉस्पिटल में मृतक को पहचानूंगी करके बोली थी ये। तुम्हारे लैपटॉप लाने तक उसने उसको क्या समझाया, ये तो बिल्कुल बदल गई। बोलती है कि मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। उसने कुछ कहा है इसीलिए सच छुपा रही है। सो इन दोनों कत्ल और सूर्या के बीच में कोई संबंध है, देख लेता हूँ। सर आपने बुलाया था? हाँ ये बॉडी को आप पहचानते हैं? ये मेरा दोस्त रामलिंगम है, 10 दिन पहले जो मरा था केसमेंट, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो भी मेरा दोस्त ही था। आप सब पार्टनर हो? हाँ सर हम सब मिलके ही गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। 10 दिन के गैप में तुम्हारे दो दोस्तों का कत्ल हुआ है, तुम जरा अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर जाएंगे तो बताकर जाना। ठीक है सर। अच्छा ये जो तुम्हारे सामने से गया क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानता सर। ठीक ओके आप अपना काम कीजिए। गोपी इनके दोनों दोस्तों का कत्ल हुआ है, अब अगला टारगेट यही होगा। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमें कातिल का सुराग मिल जाएगा। लेके आओ लेके आओ जल्दी लेके आओ लिटा दो ऐसा ऐसा। हां अरे मेरे भतीजे को क्या हो गया पता नहीं। अच्छा जल्दी लाओ डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर मेरे भतीजे को कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर, इसकी जान बहुत जरूरी है मेरे लिए, जल्दी देखिए डॉक्टर। आप फिक्र मत करो मैं बचाता हूँ। डॉक्टर नहीं 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 सॉरी, मैं तो बहुत ट्रीटमेंट ट्राई कर दिया हूँ मगर इनको बचा ना पाया। आप एक आधा घंटे पहले लेके आते तो जरूर बचता था ये। क्या बकते हो, इसके एक्सीडेंट को 5 मिनट ही हुआ है। अच्छा एक बात पूछता हूँ मैं, तुम सब डॉक्टर एक ही जैसे होते हो क्या? क्यों भाई थिएटर से निकलते हो, चश्मा उतारते हो, आंख मिचमिचाते हो और दोनों तरफ नर्सों को लुक मारते हो और आखिर में ऊपर इशारा करते हो, कितने दिन से फॉलो कर रहे हो ये? कितने दिन और करोगे? ये बहुत सालों से बोल के आदत पड़ गया। ऐसा क्या? तो एक काम कर इस डेड बॉडी को तू ही रख ले, चलो चले। फिर तो फीस। फीस चाहिए? एक मारूंगा तो 2 फुट अंदर चला जाएगा, फीस मांगेगा तो पीस पीस कर दूंगा। किससे बात कर रहा है? मैं कौन हूँ जानता है? मेरा नाम जानता है? असलम भाई। असलम भाई के नाम से पूरा शहर कांपता है और इन सब लोगों ने इसको मेरे हवाले करके मेरे भरोसे यहाँ भेजा है ताकि मैं जान बचा सकूँ। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और तुम उसे भैंस कर रहा है, बर्बाद कर दूंगा तुझे, चलो चले। भूत भूत ये भूत ये भूत भूत ये अरे भतीजे तू जिंदा है?
तो तुझे मरा हुआ समझ रहे थे, हमने तो तेरी आंखें भी डोनेट कर दी बेटा। तुमने जिंदा होके मेरी मान मर्यादा बचा ली बेटा, मेरी इज्जत रख ली तुमने। अब बोलता हूँ मैं असलम भाई बोलता हूँ, मेरी राजनीति में आज से मेरी आंखें बस तू ही है। तू इधर आ, तू भी आ। मेरा भतीजा जिंदा है और तुम इसे मुर्दा साबित करके किडनी चुराना चाहते थे। सुनो, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उठाओ उस साले को, मारो मुझे, छोड़ दो। मुझे माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में आपके बारे में कार्तिक ने जब बताया उसके बाद ही मुझे सच का पता चला। मेरी कार्तिक से कल ही मुलाकात हो गई, सोच रहा था आज सुबह तुम दोनों को मिलाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम जल्दबाजी करके पुलिस के पास चली गई, इसलिए मैं फोन करके कार्तिक को बुलाया। मैंने तुम्हें पागल कहा, तुम मुझे माफ कर दे। प्लीज ऐसे मत बोलिए पापा। जब तुमने ये बात पुलिस से कहा तो सरेंडर करूंगा सोचा, लेकिन मेरा फर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे उस तरह कहना पड़ा। सर, मुझसे जो मदद होगा मैं वो जरूर करूंगा। थैंक यू बेटा। कैसे हो? अभी मैं ठीक हूँ। शहर से आने के बाद मुझे जब ये बात पता चला तो मैं हॉस्पिटल चली गई। तुम्हारी डिस्चार्ज के बारे में पता चला इसीलिए मैं यहाँ आई। क्या हुआ? प्रिया, तुम जाकर रेस्ट लो, कार्तिक अंदर ले जाना। मेरी मदद करोगी? बताइए। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रिया का देखभाल तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या हो रहा है मिस्टर शनमुगा पांडियन? ये इधर तीसरा मर्डर है, अक्यूज खून करके नेट में अपलोड कर दिया। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, मीडिया भी हमको बुरा ही मानता है। Is there any improvement? पहले जो कत्ल हुआ उस लड़के का नाम रंजनी है, she is a school girl. रेप करते वक्त उसकी डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन हमें एविडेंस नहीं मिला है। उसके तीन दिन के बाद एक आदमी का कठोर तरीके से मर्डर हुआ, उसका नाम केशवन है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केशवन, रामलिंगम और शेल्लोदुरई तीनों मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे। केशवन के मर्डर होने के 10 दिन के बाद रामलिंगम का मर्डर हुआ था। इन दोनों की फैमिली में भी और इनकी फ्रेंड सर्कल में भी इन पर कोई ब्लैक मार्क नहीं है। कल हमारे स्टेशन में एक लड़की ने आकर कहा था कि उसका बाप किसी का मर्डर करने वाला है, लेकिन डेड बॉडी को देखने के बाद उस लड़की ने उसे पहचाने से इनकार कर दिया। वो हमसे ही झूठ बोल रही है। वो लड़की जिसे कह रही थी वही रामलिंगम होना चाहिए, ऐसा मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन कातिल क्यों इंटरनेट के जरिए इसको लोगों को बताना चाह रहा है ये मेरी समझ से बाहर। आई सस्पेक्ट डॉक्टर सूर्या। डॉक्टर सूर्या के पूरे डिटेल्स कलेक्ट करने से कातिल हमारी पकड़ में होगा। ओके शनमुगा पांडियन, आई थिंक यू आर ऑन द राइट वे। सर, आपने पूछा था ना ग्रीन हॉस्पिटल का नंबर। हेलो, इज इट ग्रीन हॉस्पिटल? मैं कोडेकनाल के इंस्पेक्टर शनमुख पांडियन बोल रहा हूँ, तुम्हारे डीन से मिलना चाहता हूँ। आइए सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर, क्या बात है, कहिए। सर, डॉक्टर सूर्य आपके हॉस्पिटल कितने साल से? पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। उनकी फैमिली के बारे में कोई आपके पास डिटेल्स है? हेलो। हेलो, ताम्बरम पुलिस स्टेशन जी, कहिए। मैं कोडेकनाल से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ताम्बरम प्रिंस हॉस्पिटल में काम करने वाले प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सूर्या के हमें पूरे डिटेल्स चाहिए हैं। 6 महीने पहले तक वही काम करते थे। मैं आपके डिटेल्स की वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, कौन है आप? मुझे नहीं जानते। डॉक्टर, आपको याद है वो शराबी, उसी जो आया था, यही है वो, पहचाना नहीं आपने? वो क्या ये? मेरे जीजा 24 घंटे पीते रहते हैं, इनकी शराब छुड़ाने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो अफसोस की बात नहीं है, जब आपकी साला पीता है ना, आपकी बहन को बोले ग्लास पास रखने के लिए। हाँ। जब वो देखता ना, वो सोचेगा पूरा खानदान पीती है, वो पीने छोड़ देगा। हाँ। चलो चलो दीदी, जीजा जी चलो। ओ, आप बोलिए। उस दिन मेरे जीजा की शराब छुड़ाने के लिए तुमने क्या कहा था? क्या बोला? मेरे जीजा जी पीते टाइम दीदी भी एक गिलास लेके बैठ जाए, ऐसा बोला था ना?
ऐसा करने से मेरी जीजा ने पूरी तरह शराब छोड़ दी। वेरी गुड डॉक्टर। ओ सबके सामने टच कर दिया गया। क्या हुआ क्या हुआ? अरे आगे देख तू बाहर। हिन हिनाना छोड़, बाहर आके मेरी दीदी को देख। आके देख मेरी दीदी कैसी बदल गई है, क्या हो गया उनको, शराबी बना दिया। हाँ। ये क्या, ये भूत को लेके आया हूँ? अबे यही तो मेरी दीदी है। हाँ। अरे एक अच्छी घर गृहस्थी वाली औरत को तूने देख ध्यान से शराबी बना दिया। ओ माय गॉड। यही है वो चोकरा है क्या? चोकरा नहीं हूँ डॉक्टर। ठीक कह रहे डॉक्टर, मुझे ये देने के लिए क्या चाहिए बोलो। 2 लाख चाहिए डॉक्टर। आप ही को किसी तरह मेरी पत्नी की बचाना होगा वरना मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। आप फिक्र मत करो, सेम ट्रीटमेंट। जब वो पिया ना, जब बहन ने ग्लास रखा साला क्यूर हो गया। जब बहन ने पीता ना तब तू ग्लास रखो तू पीना शुरू करेगा। हाँ। बहन तो क्यूर हो जाएगी। सुपर आइडिया डॉक्टर, क्या उपाय बताया है? अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे डॉक्टर मेरी खुशी खुशी जीवन में आग लगाने आए हो क्या? देखो आप मैं तुझे क्या करती हूँ। हेलो बोलिए शंकर। फ्रेंड्स हॉस्पिटल में भी, सूर्या के पड़ोसी भी। डॉक्टर सूर्या अमेरिका में फैमिली के साथ सेटल हो गया। ओके शंकर, मुझे और डिटेल्स चाहिए होंगे तो मैं आपको फोन करूंगा। ओके सर। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर बोलिए गोपी। पूरा डिटेल्स इसमें है सर, बैठिए। सर पन्ना जंगल में 210 में 10 तारीख को एक चोर ने घर पे था तो चोकरी को रेप कर दिया सर। पुलिस उसने पकड़ लिया और चोकरी का एड्रेस ये सर। ये तो एक स्ट्रेंज केस है सर, मदुरई एरिया। अपनी माँ और बेटी ने सुसाइड कर दिया सर, उन लोगों का एड्रेस आइए। ऐसा ही तिरछी में दौलत की लड़ाई पे एक 18 साल लड़की और उसके बाप की कातिल कर दिया, उन लोगों का एड्रेस आइए। और वही जगह के पास ये साल जनवरी 5 तारीख घर में गैस एक्सप्लोड होकर एक माँ और बेटी ने मर गया सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए किशोर। बोलिए सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इसमें 2 ईमेल आईडी हैं, पासवर्ड नहीं है, आप ही को ओपन करना है। ओके सर। K7, रामालिंगम और रंजनी, यही 3 लोग चैटिंग में है सर। रंजनी 3 महीने से इनके साथ चैटिंग कर रही है सर। रंजनी ने 21 तारीख को मेल भेजा है कि वो कोडेकानल आएगी सर। उसके बाद इस मेल आईडी से कोई भी मेल नहीं गया सर। K7 ने यही मेल आखिरी बार रामालिंगम को फॉरवर्ड किया है सर। ओके किशोर, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ने पे बुलाऊंगा। गोपी 21 तारीख को कोडेकानल आ रही हूँ ऐसा रंजनी ने मेल भेजा है। 24 तारीख उसका कत्ल हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझते हैं। 2 साल पहले एक माँ और बेटी का सुसाइड केस हुआ ना, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। सासुआ और दामाद को गलत रिश्ते थे, उस लड़की को मालूम होने के बाद आत्महत्या कर ली। गोपी वो तो आराम से लटक जाते हैं और हमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अम्मा उनकी कोई फोटो है क्या? है हमारे पास। लाइए ना, जल्दी आइए। सर
दो दिन छुट्टी पूछा था मैंने, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सर। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? ससुर की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहा सर? गुर के मत देखो, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ सर, वो हमारे रिश्तेदार है, चेन्नई से शादी के लिए आया है। हमारे घर पे गैस ब्लास्ट होकर मर गया है। उनकी कोई फोटो है तो देना। है सर। तुमको छुट्टी मांग रहे थे? नहीं नहीं मांगता सर। सर बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। नहीं कोई बात नहीं है, मेरा फेंका हुआ फंदा अब मौत बनकर मेरे गले में आकर पड़ गया है। मेरे दोनों दोस्तों को उसने खत्म कर दिया, उसका अगला टारगेट मैं ही हूँ। वो मेरे पास पहुँचने से पहले मैं उसे खत्म कर देना चाहता। बस इतना ही ना, बस आदमी दिखा दो, उसको जमीन में गाड़ कर उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। हाँ ओके। पापा कॉल आ रहा है। तुम ही बात करो। हेलो प्रिया। आ? तुम घर पर ही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है पापा, ध्यान से पापा। मैं देख लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे आदमी अभी तक नहीं पहुंचे? एक मिनट सर, मैं फोन करता हूँ। निकल गए बोल रहे थे, देखा सर आ गए सब लोग। भाई भी अभी आ जाएंगे। भाई आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैंने बोला था ना। रुको रुको, लाइसेंस दिखाओ। ठीक है जाओ। गाड़ी निकालो सर। गाड़ी लो।
जाकर ढूंढो। ओके सर। प्लीज सुनिए, उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। जान बचाना ही तुम्हारा काम है, जान लेना नहीं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आप मुझे एक डॉक्टर के रूप में ही जानते हैं, एक पापा के रूप में जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? सुशीला, प्रिया, आमिषा, संभल कर घर में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया। ओपन करो, ओपन करो। आपके गिफ्ट कहाँ है डैडी? एक सेकंड बेटी। मम्मी वो गिफ्ट उठाइए ना। ये है क्या? ये ले लो, ओपन करो। तुम्हारा अरे ये मेरा गिफ्ट है डैडी। थैंक्स डैडी। माँ ये देखिए ना। माय गॉड, मम्मी पसंद आया क्या? थैंक्स डैडी। हाय। हम्म,
आपका एज क्या है? आपका नाम क्या है? आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रिया है, मैं 10वीं क्लास में हूँ। बुक्स पढ़ूंगी, सॉन्ग सुनूंगी और गार्डनिंग करूंगी। प्रिया? ओके ओके, मेरे डैडी बुला रहे हैं, कल चैट करेंगे। क्या मिस यू? अभी तो चैट किया, इतनी जल्दी? ओ मी टू। डोसा क्यों? ठीक है, बाय, कल बात करेंगे। ओके बाय। मेरे लिए क्यों? हाँ अभी हम बात तो कर रहे हैं ना। No chance. Same dosa. My dad, mom, friends. बहुत पसंद है। अभी मुझे पढ़ना है। Bye. ठीक है, कल बात करेंगे। 9876543210. ओफो. प्रिया, what are you doing? पहले दूध पियो। No, mummy. अभी time क्या हुआ? इसे पकड़ो। लैपटॉप आने के बाद हमेशा इसे ही देख रही हो। पहले इसे रख के सो ना। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत लाड़ दे रहे हैं। चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिट डाउन। थैंक यू मिस। अनीता, आशा, सुजीता, प्रिया, व्हाट इज दिस? पिछले बार 96% लिए थे, मगर इस बार क्यों 30% ही लिया? सॉरी मिस, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ओके। Thank you.
बात नहीं है यार। प्रिया क्या कर रहे हो तुम, सोए नहीं क्या? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। 12 बज रहे हैं, चल सो जा। ठीक है, फोन रख, पापा आ गए, कॉल कट करो, फोन रख। प्रिया दूध भी नहीं है तुमने, ऐसी क्या बात कर रही हो? पहले दूध पियो फिर सो जाना। गुड नाइट। हेलो, हाँ हाँ, क्यों क्यों यार, देखेंगे। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं यहाँ आई। कौन, फ्रेंड है क्या? हाँ फ्रेंड है। ठीक है जल्दी तैयार हो जाना, स्कूल के लिए टाइम हो गया। बोलिए। हाँ फ्रेंड, हस्बैंड, लवर, सब कुछ। नेक्स्ट वीक मैं और मेरी मम्मा हमारे रिलेशन मैरिज के लिए कोडाइकनाल आएंगे, तब मिलके बताऊंगी। प्रिया पापा बुला रहे हैं, मुझे स्कूल जाना है, लेट हो गया, आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। क्यों सब लोग यहीं बैठे हैं? मंडप में लड़की तो अकेली है, चलिए वहाँ चलिए, जल्दी चलिए। हाय दिव्या, आओ आओ। कैसे है यार? बहुत अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? जर्नी कैसी थी? गुड। शादी के लिए एक हफ्ते पहले ही आने वाली थी ना? ओह सॉरी फॉर बीइंग लेट, शी इज माय डॉटर प्रिया। ओह प्रिया, कितनी बड़ी हो गई? तेरे हस्बैंड नहीं आए क्या? उनके लिए इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, इसीलिए वो नहीं आ पाए, सॉरी। ठीक है, आप नहा कर फ्रेश हो जाइए, हम जाकर गाड़ी भेजते हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप चलिए, सब लोग चलिए, हम चलते हैं, चलो। प्रिया तुम जल्दी से तैयार हो जाना, बाद में हम चलेंगे। प्रिया जल्दी आ, टाइम हो गया। मम्मा मम्मा, मेरे लिए मेरा फ्रेंड पार्क में वेट कर रहा है। कौन? मैं उसे देख के फौरन आ जाऊंगी। अभी जाके तुम कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरी बीबी और बेटी कोडाइकनाल जाने के बाद वापस मुर्दा ही लौटा है। मेरी बेटी को दी गई आखिरी बार लैपटॉप को मैंने देखा। बोली, मैं अभी कोडाइकनाल में ही हूँ, आज सुबह ही आई थी, कब हम मिले? ठीक है, पार्क में विद इन हाफ एन आवर रहूंगी। ओके
ए, मैं हूँ तुम्हारा किशोर, मेरी आवाज से मुझे नहीं पहचाना क्या? हे, क्या हुआ? मैं नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानूंगी? तुम किशोर नहीं हो। नहीं, मैं ही किशोर हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं किशोर हूँ। तुम जिस दिन कोड़ेकनाल आई थी अपनी माँ के साथ, उस दिन रात को किस कलर में इनरवेयर डाला है पूछा था, याद नहीं है? कलर बताऊं क्या? प्रिया मत रो, क्यों रो रही हो? तुमने मुझे धोखा दे दिया। मेरी उम्र की वजह से बता रही हो क्या? प्यार की उम्र नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था ना। रो मत प्रिया, प्लीज मत रो। तुम्हें जो पसंद था वो सब मुझे पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद आया ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो जी लिया है, तुम्हें जीना है और तुम्हारी जिंदगी से मैं कभी नहीं खेलूंगा। चलो कॉफी पीते हुए बात करेंगे। प्लीज प्रिया, मैं आपके बाद आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे मिलने ही कोड़े का नाराई थी ना, मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो बस। यार आज भी लेट है तू। क्या करता यार, बीवी को धोखा देकर आना था ना। अच्छा वो चेयर तो बस नहीं आएगा, यहाँ बैठो। सही है यार, मेरे साइज के लिए यही चेयर फिट है। अच्छा शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। ये भी आ गया, क्या हुआ इतनी जल्दी इतने राउंड मार दिए? तुम कितनी देर अंदर से जानते हो? थोड़ा इंतजार करके इसका काम करके आता हूं, आप लोग जाइए। चलो चलो हम चलते हैं। अच्छा जाएंगे, ओके बाय। Oh,
हेलो सिल्वा, बोले केशवा। प्रिया भाग गई है। क्या भाग गई है? हमारे बारे में किसी को बता तो नहीं देगी, जिससे कोई परेशानी आए? फोन रखो, मैं देख लूंगा। एक दिन एक आदमी ने उसको मेरी बेटी प्रिया समझ के उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ? कार्तिक को देखा पापा। कहाँ देखा? यहीं पे देखा। चलो जिस नंबर से कॉल आया उसे ट्रेस करने पर पता चला कि ये वही था जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेरी बेटी से बात करने की कोशिश की, फिर उसे ढूंढ निकाल कर उसका कत्ल किया। उसका खून करने से पहले मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले और भी दो आदमियों के बारे में पता लगा लिया। दूसरे आदमी को भी ढूंढ निकाल के उसका खून कर दिया। अब कहिए सर, इनके जैसे लोगों को जिंदा छोड़ सकते हैं क्या? अगर इन्हें आपके हवाले कर दूं तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन्हें सजा देंगे, और कैसी सजा दिलवाएंगे? अभी जो ये बाहर घूम रहा है, जेल के नाम पर आराम से एसी रूम में रहेगा। सजा वो नहीं है सर, जिसने एक हाथ काट दी उसकी सजा, उसकी एक हाथ नहीं काटनी चाहिए, दोनों हाथ काटनी चाहिए, वही सजा है सर। इनके जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े करके खून करना चाहिए सर। चुप रहिए सर, आप तो बोलते ही जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी का कत्ल इसने नहीं, तुमने किया है। क्या बक रहे हैं? बक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को सेलफोन क्यों दिया आपने? 12-1 बजे के बाद चादर के नीचे मैसेज करने के लिए या फिर बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए? पूछोगे तो फ्रेंडशिप कहेंगे। क्या फ्रेंडशिप है स्कूल जाने की उम्र में? कभी आपने रोका है या उसको कभी देखा है? सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, और लोगों की बेटियां भी ऐसी है। मैं सभी की बेटियों को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अन टाइम पे अगर कभी फोन आता है तो दोस्त बन के भी पूछ सकते हैं या उनका फोन उठा के चेक भी कर सकते हैं। मतलब मेरी बेटी पर शक करने के लिए कह रहे हैं? उसका नाम शक नहीं, ख्याल रखना है। एक उम्र तक ही दबाव डाल सकते हैं, फिर ख्याल रखना होता है। कॉलेज में उनके अरियर्स पर ख्याल रखने वाले माँ बाप, उनका अटेंडेंस भी चेक करा कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए लैपटॉप जरूरी है, लेकिन उसे क्यों अलग कमरे में भेजते हैं? हॉल में बैठकर पढ़ने के लिए बोलो ना। रूम में रहकर पढ़ रहे हैं या प्रॉन देख रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, क्या पता चलता है आपको? उसका नतीजा ही डिस्कोटेक, पब, शराब और हुक्का बार है। कई लड़कियां तो इससे भी पार जाकर डेटिंग के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करती हैं। पूछो तो मॉडर्न कल्चर और क्या क्या बोलते हो। तुम अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पर भेजते हो और फिर अगर ऐसा कोई उसके पीछे आता है तो उसे मारेंगे काटेंगे कहोगे। मैं इसके लिए इसे बेगुनाह नहीं कहूंगा। अगर आपने उसी दिन अपनी बेटी को समझाया होता तो आज आपको दिन देखने नहीं पड़ता। सोए बिना क्या कर रही हो? 12 बज रहे हैं,
जाके सो जाओ। प्रिया दूध भी नहीं पिया, ऐसी क्या बात कर रही हो? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। आपने सही कहा, मुझे अपनी बेटी से सवाल करना चाहिए था या फिर मना करना चाहिए था, दोनों ही नहीं किया। मेरी मौत मेरे जैसे पेरेंट्स के लिए उदाहरण होना चाहिए, इसकी मौत इसके जैसे गुनहगारों के लिए उदाहरण होना चाहिए।